नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेश वर्मा और री एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। पूर्व की क्लासेस के साथ आज का ये नया क्लास एक नए टॉपिक पर जो प्रारंभ हो रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का टॉपिक शासन प्रणाली एवं शासन व्यवस्था है। शासन प्रणाली एवं शासन व्यवस्था, ये भारतीय संविधान एवं राज व्यवस्था के अध्ययन के साथ ये टॉपिक को समझना इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि कई ऐसे संदर्भ आएंगे जहां पर संविधान राज व्यवस्था के साथ साथ शासन प्रणाली एवं शासन व्यवस्था के बारे में जानकारी का होना बहुत जरूरी होगा। और इस शासन प्रणाली एवं शासन व्यवस्था टॉपिक के अंतर्गत आप न केवल भारतीय पर्सपेक्टिव में बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर अन्य देशों में जो भी शासन प्रणालियाँ आ रही हैं वो कहीं ना कहीं इन चारों शासन प्रणालियों के अंतर्गत आएंगी। तो GS के पर्सपेक्टिव से, इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से और कहीं कहीं पर निबंध के दृष्टिकोण से भी इस टॉपिक को पढ़ना आवश्यक है। अर्थात ये एक परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण टॉपिक है जिस पर आज हम चर्चा करना उचित समझते हैं। तो जैसा कि पूर्व में ये हम बता चुके हैं कि संविधान का व्यवहारिक स्तर पर क्रियान्वयन जो है वो राज व्यवस्था के अंतर्गत या राज व्यवस्था के रूप में जाना जाता है। अगर हम पूरे दुनिया में, भारत सहित पूरी दुनिया के जो है संविधान राज व्यवस्था का अध्ययन करें तो वह कहीं ना कहीं इन चार प्रकार के व्यवस्थाओं के अंतर्गत आते हैं। तो शासन प्रणाली एवं शासन व्यवस्था का जो वर्गीकरण है वो दो आधारों पर किया गया है, एक शक्ति विभाजन के आधार पर और दूसरा व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका के समन्वय के आधार पर। तो इन दोनों ही आधारों पर शासन व्यवस्था का और शासन प्रणाली का वर्गीकरण किया जाता है। शक्ति विभाजन के आधार पर शासन व्यवस्था दो प्रकार की, एकात्मक शासन व्यवस्था, संघात्मक शासन व्यवस्था। इसी तरीके से व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका के समन्वय के आधार पर दो प्रकार की शासन व्यवस्था, संसदीय शासन व्यवस्था एवं अध्यक्षीय शासन व्यवस्था पाई जाती है। अब हम एक एक करके इन प्रकार की शासन प्रणालियों पर चर्चा करेंगे। एकात्मक शासन व्यवस्था, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि एक ऐसी शासन प्रणाली जहां पर संविधान के द्वारा समस्त शक्तियां एक ही सरकार को, सामान्यतः केंद्र सरकार को दे दी जाती हैं और राज्य सरकारें या प्रांतीय सरकारें या क्षेत्रीय सरकारें या अन्य स्थानों पर स्थित इकाई की जो सरकारें हैं वो अपनी शक्ति के लिए, अपने कार्य के लिए प्रत्येक दशा में केंद्र की सरकार पर निर्भर होती हैं। तो इस प्रकार की शासन व्यवस्था एकात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत आती है। वर्तमान लोकतंत्रीय शासन प्रणाली में इस शासन प्रणाली को सर्वोत्तम नहीं माना जाता है, उचित नहीं माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर शक्ति और सारी भी व्यवस्थाएं वो एक ही केंद्र में या एक ही सरकार में निहित हो जाती हैं और इकाई को अपने किसी भी प्रकार के कार्य के लिए इस पर निर्भर होना पड़ता है। ऐसी स्थिति में एकात्मक शासन व्यवस्था को अगर देखा जाए तो यहाँ पर इसकी जो विशेषताएं हैं, इसमें शक्ति विभाजन नहीं होता है, इसमें विभाजन नहीं होता है, इकहरी नागरिकता पाई जाती है, ये दो विशेषताएं यहां पर होती हैं और इकाइयों को अपने कार्य के लिए केंद्र पर निर्भरता। केंद्र पर निर्भर होना पड़ता है। तो इस तरीके से एकात्मक शासन व्यवस्था एक ऐसी शासन प्रणाली होती है जिसमें व्यवस्था या विधान के तहत ही सारी शक्तियां केंद्र सरकार को दे दी जाती हैं और राज्य या प्रांतीय सरकारें जो हैं वो अपने कार्य के लिए पूरी तरीके से केंद्र पर या एक शासन व्यवस्था जिसको पूरी शक्तियां दी गई हैं उस पर निर्भर हो जाती हैं। दूसरी शासन व्यवस्था संघात्मक शासन प्रणाली है। संघात्मक शासन प्रणाली एक ऐसी शासन व्यवस्था है जहां पर केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन होता है। केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारें अपने सीमाओं के अंतर्गत शासन प्रणाली का संचालन करती हैं, कोई भी एक दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करता है। लेकिन यहाँ पर यह सवाल उत्पन्न होता है कि यदि कहीं पर किसी सरकार के द्वारा दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप किया जाए तो ऐसी स्थिति में कोई ऐसी मैकेनिज्म, कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो इस व्यवस्था को रोक सके या उस पर निर्णय ले सके। तो इस प्रकार के शासन प्रणाली में एक महत्वपूर्ण व्यवस्था जो होती है वो स्वतंत्र न्यायपालिका होती है जो इन दोनों ही
केंद्र और राज्य सरकार के कार्यों का संविधान की सीमाओं और व्यक्ति के मौलिक अधिकारों के आधार पर समीक्षा करती है और केंद्र या राज्य के द्वारा उसके कार्य को उस सीमा तक शून्य भी घोषित कर सकती है जहां तक वह व्यक्ति के मौलिक अधिकार या संविधान की सीमाओं का उल्लंघन करता है। तो इस तरीके से यहां स्वतंत्र न्यायपालिका की एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है। लेकिन चूंकि संघात्मक शासन प्रणाली में शक्तियों का विभाजन होता है तो यह विभाजन तभी स्पष्ट हो सकता है जब वो लिखित रूप में हो, अर्थात यहां पर संविधान लिखित रूप में होता है, लिखित संविधान होता है शक्ति विभाजन होता है, स्वतंत्र न्यायपालिका होता है, स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था होती है और जिस तरीके से यहां इकाही नागरिकता होती है वैसे ही सामान्यतया यहां पर सामान्यतया यह शब्द इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहां पर संघात्मक शासन प्रणाली पाए जाने के बावजूद भी यहां पर इकाही नागरिकता पाई जाती है, इसलिए यहां पर सामान्यतया शब्द होता है। क्योंकि जब हम इस तरीके के शासन प्रणाली का अध्ययन कर रहे होते हैं तो हम वहां पर तुलनात्मक रूप से अध्ययन करते हैं और पूरी दुनिया में स्वीकृत व्यवस्था को ध्यान में रख करके इसका विश्लेषण करते हैं और एक सामान्य निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास करते हैं। तो सामान्यतः यहां पर दोहरी नागरिकता पाई जाती है लेकिन भारत के संदर्भ में ऐसी व्यवस्था नहीं है। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये विशेषताएं एकात्मक शासन प्रणाली की है और यह विशेषताएं संघात्मक शासन प्रणाली की है। तो इस तरीके से स्पष्ट हो गया कि एकात्मक शासन प्रणाली में जहां पूरी व्यवस्था राजनीतिक प्रणाली की पूरी शक्तियां एक बिंदु पर निहित होती है और ये इकाई की जो सरकार है वह अपने कार्य के लिए इस पर निर्भर होती है। यह है एकात्मक शासन व्यवस्था, पूरी तरीके से सेंटर पर निर्भर होती हैं अपने कार्य के लिए, अपनी शक्ति के लिए। लेकिन संघात्मक शासन व्यवस्था में ऐसी व्यवस्था नहीं है। संघात्मक शासन व्यवस्था में इसके भी पास पावर होता है, इसके भी पास पावर होता है, इसके भी पास पावर होता है, इसके भी पास पावर होता है। तो ये सब अपने अपने में जो है स्वतंत्र होते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो संघात्मक शासन व्यवस्था विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर आधारित होती है जो लोकतांत्रिक भावना के भी अनुकूल है, क्योंकि लोकतंत्र में भी ये माना जाता है कि शक्ति किसी एक व्यक्ति में निहित होकर के अलग अलग स्थानों पर होना चाहिए जिससे लोकतांत्रिक मूल्यों का जो है अभिव्यक्तिकरण हो सके। तो इस तरीके से संघात्मक शासन प्रणाली में विकेंद्रीकरण और एकात्मक शासन व्यवस्था केंद्रीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। अब हम आते हैं संसदीय शासन प्रणाली और अध्यक्षीय शासन प्रणाली पर। व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका में समन्वय के आधार पर अगर देखा जाए तो दो प्रकार की शासन प्रणालियां पाई जाती हैं, एक संसदीय शासन प्रणाली है और दूसरा अध्यक्षीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें कार्यपालिका यानी कि सरकार का गठन व्यवस्थापिका से होता है और कार्यपालिका अपने समस्त कार्यों के लिए विधायिका के प्रति या लोकप्रिय सदन के प्रति या भारत के संदर्भ में कहा जाए तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। प्रत्यक्ष रूप से लोकसभा के प्रति और अंतिम रूप से जनता के प्रति होता है। यहां पर इस चीज को देखना आवश्यक है कि प्रत्यक्ष रूप से और अंतिम रूप से का क्या तात्पर्य है। कार्यपालिका अपने सभी कार्यों के लिए लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है तात्कालिक रूप से, लेकिन अंतिम रूप से ये जनता के प्रति होता है। इसका तात्पर्य ये होता है कि लोकसभा का प्रत्येक 5 वर्ष के बाद या अलग अलग अगर देशों की बात किया जाए तो इस सदन
कि एक निश्चित समय के बाद चुनाव होता है और ये जनता के द्वारा चुने जाते हैं। तो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, अर्थात ये जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं और स्वयं ये उत्तरदायित्व सुनिश्चित इनसे करते हैं कि इनके द्वारा जो नीतियां बनाई जा रही हैं, कार्यपालिका का सबसे महत्वपूर्ण कार्य नीति, नीति का निर्माण करना है। इसीलिए पॉलिसी मेकिंग इंपॉर्टेंट होती है, नीति का निर्माण महत्वपूर्ण है और यह कार्यपालिका का सबसे महत्वपूर्ण काम है, जिसके माध्यम से वह जनता के कल्याणकारी कदम उठाते हैं, जनता का कल्याण कैसे हो सकता है उसके लिए कार्यक्रम का निर्माण करते हैं, नीतियों का निर्माण करते हैं। इसीलिए समय समय पर जब शासन काल का जो है विश्लेषण किया जाता है तो वहां पर नीतियों की चर्चा होती है कि यूपीए फर्स्ट या यूपीए सेकंड में किस तरीके की पॉलिसी थी और वह जनता के लिए कितना कल्याणकारी थी, एनडीए फर्स्ट या एनडीए सेकंड में किस तरीके की पॉलिसी बनाई गई, वह जनता के लिए कितना महत्वपूर्ण थे और जनता के जीवन को कितना बदलाव लाने में वो सफल रहे। तो इस तरीके से नीति निर्माण कार्यपालिका का होता है, ये अपने कार्यों के लिए इसके प्रति उत्तरदायी होते हैं और अंतिम रूप से इसके प्रति इसलिए उत्तरदायी होते हैं क्योंकि ये सदस्य यहां से बने होते हैं और इनका चुनाव निश्चित समय के बाद जनता के द्वारा किया जाता है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो संसदीय शासन प्रणाली एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है जिसमें जनता के प्रति शासन करने वाले लोग उत्तरदायी होते हैं, यह लोकतंत्रीय शासन प्रणाली के भी अनुरूप है। तो इस तरीके से संसदीय शासन प्रणाली में उत्तरदायित्व के सिद्धांत का अनुपालन किया जाता है। अगर इसकी विशेषताओं को ध्यान में रखा जाए तो संसदीय शासन प्रणाली में उत्तरदायित्व पूरी तरीके से सुनिश्चित होता है। इसमें कार्यकाल अनिश्चित होता है। कार्यकाल अनिश्चित किस तरीके से हो सकता है, क्योंकि कई बार सरकारें पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं कर पाती हैं और मिली जुली सरकार या कोलिशन गवर्नमेंट का गठन होता है और किसी भी समय विशेष पर अगर पार्टी के द्वारा समर्थन वापस ले लिया जाता है तो वह सरकार अल्पमत में आ जाती है और वहां पर उसे त्यागपत्र देना पड़ सकता है या सरकार उस समय में जो है बनाए रखने में वो बाध्यता को खो देती है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर कार्यकाल की अनिश्चितता भी देखी जाती है। तो इस तरीके से संसदीय शासन प्रणाली उत्तरदायित्व के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत का पालन करती है, लेकिन यहाँ पे कार्यकाल की अनिश्चितता होती है। इसकी एक और भी महत्वपूर्ण विशेषता है नाम मात्र योम वास्तविक कार्यपालिका में अंतर। नाममात्र वास्तविक कार्यपालिका में अंतर का तात्पर्य होता है, अगर हम भारत के संदर्भ में इसका विश्लेषण करें तो हमारा प्रधानमंत्री सहित पूरा संपूर्ण मंत्रिपरिषद ये वास्तविक कार्यपालिका के अंतर्गत आता है और राष्ट्रपति नाम मात्र के कार्यपालिका के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति हमेशा वास्तविक कार्यपालिका के द्वारा दिए गए परामर्श के अनुसार कोई निर्णय लेते हैं। कोई भी नियुक्ति है या किसी भी प्रकार का कोई निर्णय है वो राष्ट्रपति के द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं वह वास्तविक कार्यपालिका अर्थात प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के द्वारा दिए गए निर्णय के अंतर्गत लेते हैं, नियुक्ति लेते हैं या निर्णय करते हैं, दोनों ही स्थिति में वो वास्तविक कार्यपालिका के परामर्श के आधार पर करते हैं। ऐसी स्थिति में वास्तविक कार्यपालिका और नाममात्र कार्यपालिका में अंतर हो जाता है। तो इस तरीके से संसदीय शासन प्रणाली की एक महत्वपूर्ण विशेषता है उत्तरदायित्व का पालन करना, क्योंकि वो विधायिका से आते हैं और अपने कार्य के लिए विधायिका के प्रति या उसके लोकप्रिय सदन के प्रति उत्तरदायी होते हैं। संसदीय शासन प्रणाली भारत में पूरी तरीके से अपनाया जाता है और अगर इसके ऐतिहासिक पहलू को देखा जाए तो वैश्विक स्तर पर सबसे पहले संसदीय शासन प्रणाली इंग्लैंड में 1688 ईस्वी में इंग्लैंड या ब्रिटेन में जो है अपनाया गया। गौरवपूर्ण क्रांति के बाद जो है संसदीय शासन प्रणाली सबसे पहले इंग्लैंड में अपनाया गया और भारत की संसदीय शासन प्रणाली जो सबसे महत्वपूर्ण
बात यहाँ पर जानने योग्य है, जो परीक्षा के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है और एक जीएस के प्रिपरेशन के लिहाज से भी इसको जानना बहुत जरूरी है कि ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली जो भी अपनाई गई है वहां पर संसदीय सर्वोच्चता के सिद्धांत का अनुपालन किया गया। ऐसा इसलिए भी किया गया है क्योंकि ब्रिटेन में अगर देखा जाए तो कोई लिखित संविधान नहीं है और संसद के द्वारा बनाया गया कानून ही संविधान के रूप में कार्य करता है। अतः यहाँ पर संसदीय सर्वोच्चता के सिद्धांत का अनुपालन किया गया है। कहाँ पे? इंग्लैंड या ब्रिटेन में इस तरीके की व्यवस्था अपनाई गई है। इसीलिए एक वाक्य यहाँ के लिए प्रचलित है, फेमस है कि ब्रिटेन का संसद, ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था केवल स्त्री को पुरुष या पुरुष को स्त्री बनाने से छोड़कर बाकी सारे कार्य करने में सक्षम है। इसीलिए वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो ब्रिटेन की संसद दुनिया की सबसे शक्तिशाली संसद है। इसीलिए संसदीय सर्वोच्चता के सिद्धांत का यहाँ पे क्रियान्वयन होता है। लेकिन भारत में संसदीय व्यवस्था अपनाए जाने के बावजूद भी यहाँ पर संसदीय सर्वोच्चता के बजाय हम संविधान की सर्वोच्चता की बात करते हैं, क्योंकि संसद या कार्यपालिका या न्यायपालिका सभी अंग सरकार के अपनी शक्तियों के लिए संविधान पर निर्भर हैं और संविधान के द्वारा दी गई व्यवस्था के अंतर्गत उसकी सीमाओं का अनुपालन करते हुए शासन का संचालन करती हैं। तो इस तरीके से ब्रिटेन और इंडिया के जो है संसदीय शासन व्यवस्था में इस तरीके का अंतर है। अब हम चर्चा करते हैं अध्यक्षीय शासन प्रणाली। अध्यक्षीय शासन प्रणाली एक ऐसी शासन प्रणाली है जहां पर कार्यपालिका का गठन व्यवस्थापिका से नहीं होता है। यही अंतर है संसदीय शासन व्यवस्था में कि संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका का गठन हमेशा व्यवस्थापिका से होता है, लेकिन अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका का गठन व्यवस्थापिका से ना होकर राष्ट्रपति के द्वारा उसके पसंद के व्यक्तियों या उसके द्वारा निर्धारित किए गए सक्षम व्यक्तियों से बनता है। चूंकि यह व्यवस्थापिका से नहीं बनता है इसलिए वो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, बल्कि वो राष्ट्रपति के प्रति और अंतिम रूप से संविधान के प्रति उत्तरदायी होता है। इस तरीके से ये कहा जाए कि अध्यक्षीय शासन प्रणाली एक ऐसी शासन व्यवस्था है जहां पर कार्यपालिका का गठन राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किए गए व्यक्तियों से होता है और यहाँ की कार्यपालिका या सरकार व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी न होकर राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। तो इस तरीके की शासन व्यवस्था में अगर देखा जाए तो यह शक्ति पृथककरण के सिद्धांत पर काम करता है। शक्ति पृथककरण के सिद्धांत पर काम करता है। यहां पर उत्तरदायित्व के सिद्धांत का पालन नहीं किया जाता। उत्तरदायित्व के सिद्धांत का पालन नहीं किया जाता। शक्ति पृथककरण के सिद्धांत पर यह शासन व्यवस्था संचालित होती है। यहां पर वास्तविक एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो संसदीय शासन व्यवस्था और अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में अंतर है, वास्तविक यौन नाम मात्र। वास्तविक यौन नाम मात्र में, वास्तविक यौन नाम मात्र में अंतर नहीं होता है, क्योंकि यहां पर राष्ट्रपति ही सबसे शक्तिशाली होता है। उसकी कार्यपालिका या उसके द्वारा उसके अंतर्गत जो भी उसकी टीम होती है, जो भी कार्यपालिका का स्वरूप होता है, वो अपने आप में संपूर्ण होता है और वो किसी के प्रति उत्तरदायी ना होकर के इसके सदस्य राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं या राष्ट्रपति संविधान के प्रति उत्तरदायी होता है, क्योंकि व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। और यहाँ पर वास्तविक कार्यपालिका और नाममात्र कार्यपालिका में इस आधार पर कोई अंतर नहीं पाया जाता है। दोनों सेम ही होते हैं। इसके बाद एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो अध्यक्षीय शासन प्रणाली की है वो यह है कि यहां पर कार्यकाल की निश्चितता होती है और यह संसदीय शासन प्रणाली से अलग करती है इस व्यवस्था को, क्योंकि संसदीय शासन प्रणाली में आपको ध्यान होगा कि संसदीय शासन प्रणाली में
कार्यकाल की निश्चितता नहीं होती है, लेकिन यहां पर कार्यकाल की निश्चितता पाई जाती है। कार्यकाल निश्चित, कार्यकाल की निश्चितता पाई जाती है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो एकात्मक संघात्मक संसदीय और अध्यक्षीय शासन प्रणाली में इस प्रकार से अंतर होता है। और अगर हम पूरे वैश्विक अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन करें तो समस्त जो है राजनीतिक प्रणालियां कहीं ना कहीं इन चारों राजनीतिक प्रणालियों के अंतर्गत आती हैं। यह बात और है कि इन सभी में वहां की परिस्थितियों के अनुसार, वहां की विविधता के अनुसार थोड़े बहुत परिवर्तन हो सकते हैं। जैसे अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो यहाँ संघात्मक शासन व्यवस्था अपनाई जाती है, लेकिन चूंकि भारत एक विशाल देश है यहाँ पर भौगोलिक उच्चावच की विविधता पाई जाती है, यहाँ पर संस्कृतियों की विविधता पाई जाती है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर राष्ट्रवाद की भावना को विकसित करने के लिए, राष्ट्र की एकता अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए संघात्मक शासन व्यवस्था के साथ साथ विशेष परिस्थितियों से निपटने के लिए, विशेष परिस्थितियों से निपटने के लिए एकात्मक शासन व्यवस्था का भी प्रावधान किया गया है। जैसे राज्यपाल की नियुक्ति, आपातकालीन व्यवस्था। तो इस तरीके से कुछ ऐसे और लक्षण हैं जिनके आधार पर कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि इंडिया में एकात्मक लक्षण भी संविधान में विद्यमान है। इसीलिए केसी वियर ने इसे अर्धसंघीय व्यवस्था भी कहा है। तो आज के इस लेक्चर में शासन प्रणालियों, शासन व्यवस्था के अंतर्गत भारत की शासन व्यवस्था के साथ साथ हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विद्यमान सभी प्रकार के राजनीतिक प्रणालियों का एक तुलनात्मक अध्ययन किया। और यह पूरा टॉपिक जीएस के लिए, साक्षात्कार के लिए और अन्य सभी स्तरों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का लेक्चर यहीं तक है, आगे और भी महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ हम आप लोगों से मिलेंगे। तब तक उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के साथ अपने आप महत्वपूर्ण टॉपिक्स और तैयारी को जारी रखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।